छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास बढ़ाया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मंत्री का दावा है कि ओपीडी और आईपीडी की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस बढ़ोतरी का असल मतलब अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार है या सिर्फ आंकड़ों का खेल है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की गारंटी देने के लिए कानून या मोनोराइड के बजाय धीरे धीरे विश्वास अर्जित करना होगा, लेकिन क्या जनता इतनी लंबी प्रक्रिया के इंतजार में है? जब निजी अस्पतालों में त्वरित इलाज के विकल्प मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान तब आया है जब प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों की हालत चिंताजनक है। इस अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकारी अस्पतालों में सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? और जिस दिन लोगों के मन में भरोसा हो जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना मतलब ठीक होने की गारंटी, और हम उसी गारंटी को लागू करने वाले हैं और ये केवल कानून से या हॉस्पिटल का मॉडर्नाइजेशन से नहीं हो सकता है, इसको धीरे धीरे विश्वास अर्जित करना पड़ता है। और आज 9 महीने में प्रदेश की जो ओपीडी की संख्या है और आईपीडी की संख्या लगभग 1.5 गुनी हो गई है, ये कुछ साधारण बदलाव नहीं है। आप मनेंद्रगढ़ का ही हॉस्पिटल जाकर आज देखिए कितना परिवर्तन है, डायलिसिस चालू हो गया, हमारे अन्य विभागों के स्किन वाले डॉक्टर हैं, हमारे आर्थो हैं, सर्जन हैं, एनेस्थीसिया हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी चीज़ एक बार चलने के बाद बंद नहीं होता। डायलिसिस यूनिट लगातार चलेगा, एक्सरे सोनोग्राफी जहाँ जहाँ भी बंद होंगे वो सभी जगह चालू हो रहे हैं। चिरमिरी में चालू हो गया है, मनेंद्रगढ़ में चालू हो गया है, दोनों जगह में हमने 8-8 करोड़ रुपए का सीटी स्कैन मशीन दे दिया है, वो जल्द ही उसका टेंडर